हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आ चुका हूँ आपके लिए एक और अमेजिंग और धमाकेदार वीडियो लेके गाइस। और आज मैं लेके आया हूँ डिफरेंट टाइप के गाइस हाइलाइटर, और एक है गाइस हमारे पास प्रिंसेस का इरेजर सेट, और कुछ है गाइस हमारे पास ज्योमेट्री। गाइस बिना स्किप करे पूरी वीडियो एंड तक देखना, फिर आप मुझे कमेंट करके बताना इन सब में आपको सबसे अच्छी चीज क्या लगी। गाइस वीडियो अच्छी लगी तो कर देना वीडियो को लाइक दोस्तों, और चैनल को कर देना सब्सक्राइब, और सब्सक्राइब कर रखा है तो थैंक यू सो मच फैमिली की तरफ से। और दोस्तों आप जब भी कमेंट करते हो ना, कमेंट करने के बाद ब्रैकेट में अपना नाम जरूर लिखा करो, जिससे मुझे आपका नाम याद हो जाए। तो चलो फटाफट आज का कलेक्शन शुरू करते हैं। सबसे पहले गाइस हमारे पास एक काफी अमेजिंग और काफी सुंदर एक कैंडी वाला दोस्तों हाइलाइटर, चलो दिखाता हूं आपको, फिर आप मुझे कमेंट करके बताना आपको कैसा लगा ये कैंडी वाला हाइलाइटर। तो निकालता हूं बॉक्स से, और इसे मैंने 40 यानी 40 रुपए का परचेज किया है। ये कैंडी लुक में दोस्तों ये हाइलाइटर देख सकते हो, काफी जबरदस्त है, काफी अमेजिंग है दोस्तों, बिल्कुल ऐसा लग रहा है रियल की कैंडी है, बट ये रियल की कैंडी नहीं है, ये है एक हाइलाइटर दोस्तों। देख सकते हो कितना अमेजिंग चल रही, कितना जबरदस्त रहा है दोस्तों, देख सकते हो काफी अमेजिंग है। एक और हाइलाइटर दिखाता हूं निकाल के, तो ये देखो ये वाला कैंडी निकालता हूं, तो ये देखो दोस्तों काफी अमेजिंग है, काफी जबरदस्त, और इसके अंदर भी गाइस हमें हाइलाइटर मिलता है। ये देखो कितना जबरदस्त चल रहा है, काफी अमेजिंग है। चलो इसे साइड रखते हैं, नेक्स्ट चीज दिखाता हूँ। नेक्स्ट है गाइस हमारे पास एक बॉटल वाली यानी कॉकटेल वाली बॉटल की एक हाइलाइटर दोस्तों, काफी जबरदस्त है, और इसे दोस्तों मैंने 50 रुपए का परचेज किया। इस वाले हाइलाइटर को निकालता हूँ दोस्तों पाउच से, और दिखाता हूँ दोस्तों इसकी खासियत क्या है। तो निकाल लेते हैं बॉक्स से, ये निकाल लिया, और ये देखो दोस्तों ये बॉटल है, बट इस बॉटल में गाइस हमें मिलता है सबसे पहले तो ये देखो एक हाइलाइटर, ये देखो निकालता हूँ, और ये देखो हाइलाइटर मिलता है काफी जबरदस्त, और काफी अमेजिंग भी चल रहा है दोस्तों ये हाइलाइटर। और सबसे अच्छी बात है इसके आगे गाइस हमें काफी सारे ग्लिटर भी मिल जाते हैं दोस्तों, और हर बोतल के ऊपर गाइस उसी कलर का ग्लिटर भी मिल जाता है दोस्तों, काफी अमेजिंग है। और इसे दोस्तों मैंने 50 रुपए का परचेज किया। चलो साइड रखते हैं, नेक्स्ट चीज दिखाता हूं दोस्तों। नेक्स्ट है गाइस हमारे पास एक काफी अमेजिंग पेंसिल वाला दोस्तों हाइलाइटर, काफी सुंदर है, और इसे दोस्तों मैंने 30 रुपीज का परचेज किया है यानी 30 रुपए का परचेज किया है। और दिखाता हूँ ये पेंसिल वाला हाइलाइटर, निकाल लेते हैं और फिर देखना दोस्तों कितना अमेजिंग है। ये देखो दोस्तों हाइलाइटर काफी जबरदस्त है, काफी अमेजिंग है, और इसे चलाएंगे कैसे, आगे से नहीं चलेगा दोस्तों, ढक्कन ओपन करना पड़ेगा। ढक्कन ओपन करते ही ये देखो दोस्तों काफी बड़ा हाइलाइटर है, काफी अच्छा भी चल रहा है दोस्तों, काफी गुड लुकिंग भी चल रहा है, देख सकते हो। चलो इसे साइड रखते हैं, नेक्स्ट चीज दिखाते हैं। नेक्स्ट है गाइस हमारे पास एक हाथ, और ये दोस्तों हाथ नहीं है, ये है दोस्तों हाइलाइटर, ये देखो, और इतने कलर यानी इसमें 1 2 3 4 5 हाइलाइटर मिलते हैं, जैसे हमारे 5 उंगलियां होते हैं उसी तरह से दोस्तों ये 5 हाइलाइटर मिलते हैं। एक अंगूठे वाले को निकालते हैं, नहीं छोटी वाली उंगली को निकालते हैं, और ये देखो दोस्तों ये है पिंक कलर का हाइलाइटर, काफी जबरदस्त और काफी अमेजिंग, और देखो कितना फास्ट चल रहा है, देख सकते हो। जितने भी हाइलाइटर थे ना उसमें सबसे अच्छा हाइलाइटर मुझे ये वाला लगता है, क्योंकि इसकी जो निब है ना वो काफी बड़ी और काफी मोटी है दोस्तों। चलो इसे रखता हूँ, नेक्स्ट वाले यानी दूसरी उंगली खोल के दिखाता हूँ दोस्तों, इसे लगा लेंगे, अरे भाई लग जा। तो चलो बीच वाली उंगली को निकालते हैं जो ग्रीन कलर की, और ये देखो दोस्तों कितना फास्ट चलेगा, ये देखो दोस्तों है ना काफी जबरदस्त, काफी अमेजिंग। और इस हाथ वाले हाइलाइटर को दोस्तों मैंने 50 रुपए का परचेज किया, 50 रुपीज का परचेज किया दोस्तों। चलो साइड रखते हैं, नेक्स्ट ये दिखाता हूँ दोस्तों। हाइलाइटर तो अभी और भी बचे हैं, बट मैं आपको दिखाता हूँ प्रिंसेस का दोस्तों इरेजर सेट, काफी अमेजिंग है। और इस इरेजर सेट को ना दोस्तों मैंने 250 रुपए का परचेज किया, और इसमें ना काफी अच्छी अच्छी और काफी सुंदर सुंदर इरेजर मिलती है। निकालता हूँ दोस्तों बॉक्स से, फिर आप मुझे कमेंट करके बताना आपको इन सब में सबसे अच्छी इरेजर कौन सी लगी दोस्तों। चलो निकाल लेते हैं, और प्रिंसेस मुझे बहुत ज्यादा अच्छी लगती है दोस्तों, भली मैं लड़का हूँ बट मुझे प्रिंसेस बहुत ज्यादा अच्छी लगती है। अगर आपको प्रिंसेस अच्छी लगती है तो कर देना वीडियो को लाइक। तो देखो दोस्तों इसमें टोटल कितनी इरेजर मिलती है हमें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 इरेजर मिल जाती है। 3 तो गाइस हमें मिलते हैं प्रिंसेस की इरेजर, ये देखो दोस्तों ये मरमेड प्रिंसेस है, देख सकते हो काफी अमेजिंग है पिंक कलर की, और इसके बाल देखो, इसके बाल भी दोस्तों इरेजर है, इसके हाथ भी इरेजर है, और इसकी पूंछ भी दोस्तों इरेजर है दोस्तों, काफी गजब है। और देखते हैं दोस्तों सेकंड प्रिंसेस को निकालते हैं, और ये देखो दोस्तों वाओ यार काफी अमेजिंग, इसके बाल देखो दोस्तों ब्राउन है, काफी गुड लुकिंग है, काफी अमेजिंग है, और ये दोनों इरेजर है। तीसरी इरेजर निकालता हूँ दोस्तों, तो ये देखो तीसरी इरेजर दोस्तों यानी तीसरी प्रिंसेस। आपको इन तीनों प्रिंसेस में सबसे अच्छी प्रिंसेस कौन सी लग रही है दोस्तों, प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताना दोस्तों। चलो साइड रखते हैं, नेक्स्ट चीज दिखाता हूँ। नेक्स्ट है गाइस हमारे पास एक गाइस काफी अमेजिंग सर दोस्तों स्टार फिश वाली इरेजर, ये देखो दोस्तों काफी अमेजिंग है, काफी सुंदर है, और बिल्कुल ऐसा लग रहा है रियल की स्टार फिश है, बट ये दोस्तों स्टार फिश नहीं है, ये है एक इरेजर दोस्तों काफी सुंदर सी। एक है गाइस हमारे पास मरमेड प्रिंसेस का घर, ये देखो दोस्तों ये घर है, बट ये घर नहीं है, ये भी है दोस्तों काफी अच्छी सी एक इरेजर, ये देखो दोस्तों इरेजर है काफी सुंदर, ऐसा लग रहा है बिल्कुल रियल का घर है दोस्तों, बट ये रियल का घर नहीं है, एक इरेजर है। और क्या मिलता है इसमें, इसमें गाइस हमें मिलता है एक सी हॉर्स का इरेजर, ये देखो दोस्तों दिखाता हूँ, और ये देखो दोस्तों ये सी हॉर्स नहीं है, ये भी है काफी सुंदर और काफी प्यारी सी एक इरेजर, ये देखो दोस्तों इरेजर है
काफी सुंदर सी। और क्या मिलता है इसमें? क्राउन मिलता है दोस्तों, ये देख सकते हो प्रिंसेस का क्राउन है, निकाल के दिखाता हूँ। ये देखो दोस्तों क्राउन, और क्राउन नहीं है दोस्तों, ये भी है एक इरेजर, काफी सुंदर सी येलो कलर की इरेजर है। और आपको एक दो चीज मिटा के भी दिखाऊंगा तो कैसे ये वर्क करती है और कैसे ये इरेजर है दोस्तों। चलो साइड रखते हैं। और क्या मिलता है इसमें गाइस? हमें जादू की छड़ी मिल जाती है दोस्तों प्रिंसेस की, और देख सकते हो। और इससे जो जादू की छड़ी है यानी जो स्टिक है ये है प्लास्टिक की, और जो स्टार है वो है गाइस इरेजर। ये देखो दोस्तों काफी सुंदर, इसे निकाल भी सकते हैं हम तो। ये निकल, ये देखो ये वाला पार्ट निकल गया, और ये भी दोस्तों इरेजर है, काफी सुंदर है दोस्तों। और क्या मिलता है इसके अंदर गाइस? हमें मिलता है ये देखो, वाओ यार काफी सुंदर, ये देखो कितना गुड लुकिंग लग रहा है। और ये तो पूरा इरेजर है यार, काफी सुंदर। और इसके अंदर देखो ये क्या है, ये देखो गोली है, और ये गोली भी दोस्तों एक इरेजर है। और इस वाली चीज को क्या बोलते हैं दोस्तों, प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताओ, और कमेंट करते हो तो ब्रैकेट में अपना नाम जरूर लिखना दोस्तों। ये क्या है बस ये मुझे कमेंट करो और मुझे बताओ दोस्तों, फिर मैं भी तो देखूं किसे किसे पता। मुझे तो नहीं पता दोस्तों ये क्या चीज है, बस आपको पता है तो प्लीज मुझे कमेंट करना जरूर। चलो और देखते हैं। तो इसके अंदर गाइस हमें मिलती है ये देखो एक वेल, वाओ यार काफी अमेजिंग, और ये भी वेल है दोस्तों एक इरेजर। और क्या मिलता है? एक लिटिल प्रिंसेस की गाइस बेबी मिल जाती है दोस्तों, काफी सुंदर है, ये देख सकते हो काफी अमेजिंग, और ये भी दोस्तों इरेजर है, देख सकते हो काफी सुंदर है। और एक मिलती है दोस्तों हमें डॉल्फिन, ये देखो दोस्तों डॉल्फिन मिल जाती है, और ये डॉल्फिन भी है दोस्तों पूरी इरेजर, कहीं से भी प्लास्टिक नहीं है दोस्तों, पूरी इरेजर, काफी सुंदर है। तो आपको ये मर्मेड प्रिंसेस का इरेजर सेट कैसा लगा दोस्तों, प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताना। और सबसे अच्छा इरेजर कौन सा लगा ये भी दोस्तों प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताना। चलो साइड रखते हैं, नेक्स्ट ही दिखाता हूं। नेक्स्ट है गाइस हमारे पास काफी अमेजिंग और काफी सुंदर सा दोस्तों एक सैंडविच, और ये सैंडविच नहीं है, एक सैंडविच लुक में ना दोस्तों डायरी, वो दिखाता हूं दोस्तों निकाल के। और केवल मैंने इसे 50 रुपए का परचेज किया। पहले तो देखो ये सैंडविच है ना काफी जबरदस्त, और इसे देख के तो मेरे मुंह में पानी आ चुका है दोस्तों, मन कर रहा है सैंडविच खाने का। तो इसके अंदर दिखाता हूँ पेजेस, ये देखो दोस्तों पेजेस, इसमें 3 कलर के पेजेस मिलते हैं, रेड और येलो और ग्रीन कलर के पेजेस मिल जाते हैं, पेजेस काफी सारे मिल जाते हैं। और सबसे अच्छी बात है क्वालिटी भी काफी जबरदस्त है इस पेजेस की दोस्तों, काफी अमेजिंग है, काफी जबरदस्त है, सैंडविच लुक में केवल 50 रुपए की परचेज करिए ये डायरी दोस्तों मैंने। चलो साइड रखते हैं, नेक्स्ट दिखाता हूं। नेक्स्ट है गाइस हमारे पास एक हाईलाइटर वाला पेन दोस्तों, काफी अमेजिंग है, काफी जबरदस्त है, और ये लाइट लुक में दोस्तों ये हाईलाइटर निकालता हूँ दोस्तों बॉक्स से और फिर दिखाता हूँ। और सबसे अच्छी बात है ये 2-in-1 हाईलाइटर है ये, अरे भाई पूरा निकल जाओ पूरा निकल भाई, ये देखो 2-in-1 हाईलाइटर है। इसमें टोटल हमें एक नहीं दो नहीं छह नहीं टोटल 12 हाईलाइटर मिलते हैं, वो कैसे चलो मैं आपको दिखाता हूँ। तो देखो दोस्तों ये वाला हाईलाइटर निकाल लेते हैं बॉक्स से, ये देखो ये है, पीछे दोस्तों हमें लाइट मिल जाती है दोस्तों काफी अमेजिंग सी, और इसके अंदर आगे तो ग्रे हाईलाइटर मिलता है, ये देखो ग्रे हाईलाइटर, और एक और हाईलाइटर मिलता है इसके पीछे, ये देखो ये येलो हाईलाइटर, ये देखो दोस्तों है ना काफी गजब काफी सुंदर सा। एक और दिखाता हूँ, और इसमें 1, 2, 3, 4, 5 यानी टोटल 6 स्टिक मिलती है, और 6 में गाइज हमें 2-2 गाइज मार्कर मिल जाते हैं यानी हाईलाइटर मिल जाते हैं, काफी जबरदस्त है लुक, देखो दोस्तों कितना अमेजिंग है। और इस वाले सेट को ना दोस्तों मैंने परचेज 100 रुपीज का परचेज किया दोस्तों। तो चलो साइड रखते हैं दोस्तों, नेक्स्ट चीज दिखा दो। नेक्स्ट है गाइज हमारे पास एक लॉलीपॉप, काफी अमेजिंग, और दोस्तों ये लॉलीपॉप नहीं है, ये लॉलीपॉप में है एक हाईलाइटर, काफी अच्छा और काफी सुंदर सा दोस्तों, निकालता हूँ पन्नी से और दिखाता हूँ। और इसे दोस्तों मैंने केवल 30 रुपीज का परचेज किया, ये देख सकते हो ये लॉलीपॉप है, बट दोस्तों ये लॉलीपॉप नहीं है, ये देखो दोस्तों लॉलीपॉप काफी सुंदर काफी गजब है। और इसके अंदर गाइस हमें मिलती है ये एक हाईलाइटर, ये देखो डंडी हटाएंगे दोस्तों, देखो गेम दिखाता हूँ, देखो इसकी डंडी हटाएंगे फिर हमें हाईलाइटर मिलता है दोस्तों, काफी सुंदर, और पकड़ने में भी गाइस मुझे काफी मजा आ रहा है ना, काफी अमेजिंग सा हाईलाइटर दोस्तों, बिल्कुल ऐसा लग रहा है लॉलीपॉप है। चलो साइड रखते हैं, नेक्स्ट दिखाता हूँ दोस्तों आपको। नेक्स्ट है गाइस हमारे पास एक यूनिकॉर्न का दोस्तों, काफी सुंदर और काफी प्यारी ज्योमेट्री बॉक्स दोस्तों। और इस ज्योमेट्री बॉक्स को ना दोस्तों मैंने कितने की यानी 180 रुपीज के परचेज करिए, और इसमें गाइस हमें एक स्टिकर मिलता है जिसपे गाइस हमें नाम और क्लास लिख सकते हैं। चलो ओपन करके दिखाता हूं, ओपन करने से पहले फ्रंट में गाइस हमें 1, 2, 3 बटन मिलते हैं, तीनों बटन का यूज देखते हैं और क्या क्या है। चलो पहले बटन को दबाया, और सबसे अच्छी बात है इसमें गाइस हमें नेविगेशन भी मिल गया, ये देखो दोस्तों काफी जबरदस्त है, और नेविगेशन वर्क भी कर रहा है, ये देखो घूम रहा है नेविगेशन, देखो मैं ज्योमेट्री घुमाऊंगा तो अपने आप नेविगेशन भी घूमने लगेगा दोस्तों, काफी जबरदस्त है। चलो इन तीनों बटन का यूज देखते हैं, पहले बटन को दबाया तो क्या हुआ, पहले बटन को दबाते ये देखो पहले बटन को दबाते ही गाइस कंपार्टमेंट बाहर आ चुका है, और इसमें गाइस हमें 1, 2, 3, 4, 5 पेंसिल लॉक मिल जाता है दोस्तों, काफी जबरदस्त स्पेस भी और काफी बड़ा कंपार्टमेंट है यार ये, तो पहले बटन को दबाने गाइस
गाइस हमें कंपार्टमेंट बाहर निकलते हैं, सेकंड बटन को दबाते हैं, ये देखो थर्मामीटर बाहर आ जाता है दोस्तों, काफी अमेजिंग सा। तीसरे बटन को दबाते छोटा सा कंपार्टमेंट निकलता है नीचे से, जिसमें गाइस हम अपनी स्टडी मटेरियल रख सकते हैं दोस्तों। और एक बटन और है दोस्तों, और ऊपर ही गाइस हमें इसमें दो दो शार्पनर मिल जाए, इस बटन को दबाएंगे ढक्कन ओपन हो जाएगा। और ये देखो दोस्तों शार्पनर की क्वालिटी कितनी जबरदस्त है, दो शार्पनर मिल जाते हैं दोस्तों इस ज्योमेट्री बॉक्स के अंदर। छोटा शार्पनर है गाइस हमारे कलर पेंसिल को शार्प करने के लिए, और बड़ा शार्पनर है दोस्तों हमारे पेंसिल को शार्प करने के लिए दोस्तों, काफी अमेजिंग। चलो ढक्कन ओपन करते हैं, ढक्कन ओपन करते हैं, ये देखो दोस्तों हमें एक पॉकेट मिलता है जिसमें गाइस हम क्लास शेड्यूल लिख सकते हैं गाइस, और एक काफी अच्छा सा कंपार्टमेंट मिलता है जिसमें गाइस हमें एक दो तीन चार पांच पांच पेंसिल लॉक मिल जाता है। और वो ये तो वही कंपार्टमेंट है जो पहले बटन को दबाने से बाहर आ रहा था, ये देखो वाह काफी अमेजिंग है, काफी जबरदस्त। ये देखो दोस्तों यानी सबसे अच्छी बात यह है हमें इस कंपार्टमेंट को यूज करने के लिए ढक्कन खोलने की जरूरत नहीं है, बस बटन दबाएंगे और कंपार्टमेंट बाहर हो जाएगा और फिर हम स्टडी मटेरियल निकाल लेंगे दोस्तों, काफी गजब है। चलो बैक साइड की बात करते हैं, बैक साइड काफी अच्छी लाइन लिखे पेंसिल केस लिखा है दोस्तों, और यहाँ स्टिकर मिल जाता है हमें एक। और ये देखो ढक्कन ओपन करते काफी अच्छा इंटरफेस मिलता है और इसमें काफी अच्छा स्पेस है, और इसमें भी दोस्तों हमारा काफी सारा स्टडी मटेरियल आ जाएगा दोस्तों। चलो साइड रखते हैं, नेक्स्ट चीज दिखाता हूँ। नेक्स्ट है हमारे पास एक काफी अमेजिंग एक चॉकलेट नोटबुक दोस्तों, काफी सुंदर है, और ये कुकीज है काफी, और इसमें दो तरह के गाइस नोटबुक आते हैं, एक गाइस ये कुकीज वाला आता है, एक चॉकलेट वाला आता है, और इसके अंदर से ना काफी अच्छी खुशबू भी आ रही है दोस्तों। निकाल के दिखाता हूँ ये कैसी है, तो ये देखो दोस्तों कुकीज यानी बिस्किट लिखा है दोस्तों, राउंड लवली बिस्किट लिखा है दोस्तों, काफी अमेजिंग है, ऐसा लग रहा है बिल्कुल चॉकलेट बिस्किट है, बट दोस्तों ये चॉकलेट बिस्किट नहीं है। और सबसे अच्छी बात है खुशबू बहुत ज्यादा अच्छी आ रही है, ऐसा लग रहा है रियल की चॉकलेट है, बट ये रियल की चॉकलेट नहीं है। इसके अंदर गाइस हमें मिलती है डायरी, ये देखो दोस्तों काफी सुंदर और काफी प्यारी, ये देखो। आपको गाइस चॉकलेट वाली डायरी ज्यादा अच्छी लगी या सैंडविच वाली डायरी ज्यादा अच्छी लगी प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताना, मुझे तो चॉकलेट वाली डायरी ज्यादा अच्छी लगी दोस्तों। देख सकते हो काफी अमेजिंग और गोल गोल पेज है दोस्तों, ये देखो काफी सुंदर है। चलो साइड रखते हैं, नेक्स्ट ये दिखाता हूँ दोस्तों आपको। नेक्स्ट है गाइस हमारे पास एक फ्रोजन की ज्योमेट्री बॉक्स, काफी सुंदर है, काफी प्यारी ज्योमेट्री बॉक्स है गाइस, और इसमें है ना काफी अच्छी चीज मिलती है, और सबसे अच्छी बात है ये मेटल है, प्लास्टिक की ज्योमेट्री बॉक्स नहीं है। ओपन करता हूँ, ओपन करते ही गाइस इसमें क्या मिलता है, तो ये देखो ओपन करते ही गाइस इसमें गाइस हमें तीन कंपार्टमेंट मिल जाते हैं दोस्तों। देख सकते हो नीचे काफी बड़ा कंपार्टमेंट, सेकंड कंपार्टमेंट में दोस्तों में टेबल देखने को मिल जाती है, थर्ड कंपार्टमेंट में काफी अच्छा स्पेस मिल जाता है, और साथ ही मिलता है इसके अंदर गाइस बुक सेल्फ स्टैंड गाइस, काफी अमेजिंग है। इसमें गाइस हम अपनी बुक को रख के काफी इजिली से स्टडी कर सकते हैं, और सबसे अच्छी बात है जो भी स्टडी मटेरियल हम ऊपर वाले कंपार्टमेंट में रखेंगे वो ऑटोमेटिक लॉक कर देगा, वो कैसे देखो जैसे इसे बंद किया कंपार्टमेंट ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा दोस्तों, काफी जबरदस्त है, काफी अमेजिंग है, और मुझे तो ये अच्छा लगा दोस्तों ये मेटल की है, प्लास्टिक की ज्योमेट्री बॉक्स नहीं है। चलो साइड रखते हैं, नेक्स्ट चीज दिखाता हूँ। नेक्स्ट है गाइस हमारे पास एक छोटा भीम की दोस्तों, काफी अमेजिंग और काफी सुंदर सी ज्योमेट्री बॉक्स, और ये पीछे देखो ओ वाओ देखो कितनी बड़ी छोटा भीम की फोटो छपी है, और ये देखो मंकी, और इस मंकी का क्या नाम है अगर पता हो तो प्लीज मुझे कमेंट करते हो तो ब्रैकेट में अपना नाम जरूर लिखना दोस्तों। चलो और फ्रंट में ये देखो 3D लुक में दोस्तों छोटा भीम की फोटो छपी है, स्टिकर मिल जाता है दोस्तों, काफी अमेजिंग था इस ज्योमेट्री बॉक्स के ऊपर। और फ्रंट में गाइस हमें दो शार्पनर मिल जाते हैं, देख सकते हो छोटा शार्पनर एक बड़ा शार्पनर दोस्तों। चलो ढक्कन ओपन करते हैं और इसके अंदर देखते हैं कितना स्पेस है, ढक्कन ओपन करते हैं, ओ ये देखो दोस्तों इसके अंदर कैलकुलेटर मिल गया हमें, यार काफी अमेजिंग, कैलकुलेटर वर्क भी कर रहा है, ओहो काफी जबरदस्त है, और काफी अच्छा स्पेस भी मिल गया इस वाले कंपार्टमेंट में, और इस वाले कंपार्टमेंट में एक दो तीन चार पांच पांच पेंसिल लॉक भी मिल जाता है दोस्तों, काफी जबरदस्त, और स्पेस देखो गहराई काफी अच्छी है ज्योमेट्री बॉक्स की। बैक साइड की बात करते हैं, बैक साइड के ढक्कन ओपन किया तो बैक साइड कंपार्टमेंट में दोस्तों हमें टेबल देखने को मिल जाती है, स्पेस काफी जबरदस्त मिल जाता है, और काफी सारा स्टडी मटेरियल भी आ जाएगा दोस्तों इस वाली ज्योमेट्री बॉक्स के अंदर। चलो रखते हैं साइड में, नेक्स्ट चीज दिखाता हूँ। नेक्स्ट है गाइस हमारे पास एक स्टे वाइल्ड की ज्योमेट्री बॉक्स, काफी सुंदर सी है, काफी प्यारी है, केवल 100 रुपीज की परचेज करिए। ढक्कन ओपन करते ही गाइस हमें इसमें मिलता है फ्रंट में गाइस एक ट्रे, और ट्रे का डिजाइन देखो दोस्तों काफी जबरदस्त है, काफी अमेजिंग ट्रे है, काफी सुंदर और काफी अच्छा स्पेस है इस ट्रे में। इस ट्रे को ऊपर करेंगे और हटाएंगे, देखते हैं कितना स्पेस है, तो इसे हटाने के लिए दोस्तों दो लॉक है, ये दोनों लॉक को ऊपर करेंगे और फिर गाइस ट्रे ओपन होगी, ट्रे ओपन होती है, और सबसे अच्छी बात है ये ट्रे ना अटैच है गाइस हमारी ज्योमेट्री बॉक्स के साथ, नीचे वाले कंपार्टमेंट में काफी अच्छा स्पेस है, इसमें भी दोस्तों हमारा काफी सारा स्टडी मटेरियल आ जाएगा दोस्तों। चलो इसे बंद करते हैं, नेक्स्ट चीज देखते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्या है हमारे पास। नेक्स्ट है गाइस हमारे पास एक सुपर रेसिंग कार, और ये कार नहीं है ये भी ज्योमेट्री बॉक्स है दोस्तों, और इसमें लिक्विड भरा है, इसके सनरूफ में लिक्विड भरा है, ग्लिटर भरा है दोस्तों, जो काफी अमेजिंग बना रहा है इस ज्योमेट्री बॉक्स को। चलो ओपन करते हैं, देखते हैं कितना स्पेस है, ओपन करते ही गाइस हमें इसके अंदर गाइस मिलता है, ये देखो दोस्तों
एक ट्रे मिलती है गाइस, जिस ट्रे पे गाइस हमें टेबल देखने को मिल जाती है। नीचे गाइस एक कंपार्टमेंट मिलता है, इसमें भी काफी अच्छा स्पेस है और इसमें काफी सारा गाइस स्टडी मटेरियल आ जाएगा। बट इसका जो सनरूफ में ये लिक्विड और ग्लिटर भरा है ना, ये काफी अमेजिंग बना रहा है ज्योमेट्री बॉक्स को। चलो साइड रखते हैं, नेक्स्ट चीज दिखाता हूँ दोस्तों। नेक्स्ट है गाइस हमारे पास काफी सुंदर और काफी छोटी सी गाइस ज्योमेट्री बॉक्स, और ज्योमेट्री बॉक्स में ना गाइस हम एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, टोटल चार या पांच कंपार्टमेंट मिलते हैं। वो कैसे, पहले तो देखो दोस्तों, एक ऊपर एक ढक्कन मिलता है, तो ये देखो एक ऊपर कंपार्टमेंट मिल गया, फिर एक और गाइस हमें राइट साइड में एक और ढक्कन है, इस ढक्कन को ओपन करते हैं तो ये देखो दो कंपार्टमेंट तो गाइस हमें फ्रंट में यानी ऊपर ही मिल गए गाइस इस छोटी सी ज्योमेट्री बॉक्स के अंदर। और चलो इसे लॉक को ओपन करते हैं, और गाइस इसमें गाइस हमें ट्रे मिलती है यानी तीसरा कंपार्टमेंट मिल गया गाइस, और इसे हटाएंगे ट्रे को तो नीचे गाइस एक और कंपार्टमेंट मिल गया। टोटल चार कंपार्टमेंट मिल जाते हैं छोटी सी ज्योमेट्री बॉक्स के अंदर दोस्तों। तो आपको कैसी लगी दोस्तों, मुझे तो काफी अच्छी लगी, काफी अमेजिंग लगी दोस्तों। चलो साइड रखते हैं, नेक्स्ट दिखाता हूं दोस्तों। नेक्स्ट गाइस हमारे पास ये यूनिकॉर्न की ज्योमेट्री बॉक्स दोस्तों, और ये सबसे अच्छी बात है पासवर्ड वाली ज्योमेट्री बॉक्स है। विदाउट पासवर्ड कोई भी हमारी ज्योमेट्री बॉक्स ओपन नहीं कर सकता। पासवर्ड क्या है गाइस इसका, तो पासवर्ड है गाइस 346, तो 4 को गाइस हम कर देंगे नीचे, और गाइस 4 को नहीं, 3 को भी नीचे करेंगे, 4 को भी नीचे करेंगे, 6 को भी नीचे करेंगे, और ऑन ऑफ का बटन है, ऑन ऑफ के बटन को गाइस ऑन करेंगे और ढक्कन ओपन करेंगे। तो ढक्कन ओपन नहीं हुआ, क्यों नहीं ओपन हुआ, तो गाइस ऐसा करेंगे जितना भी पासवर्ड उसे ऊपर रखेंगे बाकी सारी चीज़ें नीचे कर देंगे गाइस। तो सारी चीज़ें नीचे कर दी, ऑन ऑफ का बटन दबाया, ऑन किया और ये ढक्कन ओपन हो गया। और ढक्कन ओपन करते ही गाइस इसमें गाइस हमें 1 2 3 4 5 पेंसिल लॉक मिल जाता है छोटे से ट्रे के ऊपर दोस्तों। इस ट्रे को हटाएंगे गाइस, नीचे काफी अच्छा कंपार्टमेंट मिल जाता है, और दो छोटे छोटे कंपार्टमेंट और मिलते हैं दोस्तों, जिसमें गाइस हम शार्पनर और इरेजर रख सकते हैं दोस्तों। बट ये गाइस ये पासवर्ड वाली ज्योमेट्री बॉक्स है, मुझे काफी जबरदस्त लगी दोस्तों। चलो साइड रखते हैं, नेक्स्ट दिखाता हूं दोस्तों। नेक्स्ट है गाइस हमारे पास एक काफी अमेजिंग सी दोस्तों एक फुटबॉल स्टेशनरी सेट दोस्तों। इसमें काफी सारी चीजें मिलती है, और क्या क्या चीजें मिलती है इसमें, तो मिलती है गाइस हमें पेंसिल, दो पेंसिल मिल जाती है, चार इरेजर मिलती है, एक शार्पनर मिलता है। चलो देखते हैं कैसी ये चीजें हैं और कैसी चार इरेजर है। तो ये निकाल लेते हैं बॉक्स से, और ये देखो नीचे गाइस हमें गाइस एक स्टेडियम भी मिल जाता है इस स्टेशनरी बॉक्स के अंदर गाइस। ये देखो स्टेडियम मिल गया, और ये देखो दोस्तों इसमें गाइस हमें 1 2 3 4 चीजें मिल जाती है। देखो दोस्तों सबसे पहले तो दो वुडन पेंसिल मिल जाती है, ये देखो दो वुडन पेंसिल मिल गई, और इन दोनों पेंसिल के ऊपर दोस्तों ये फुटबॉल की फोटो छपी है, काफी अमेजिंग, और ग्रीन कलर की पेंसिल है जो काफी अमेजिंग लग रही है। और क्या मिलती है इसमें, इसमें गाइस हमें दो बॉल मिलती है, एक रेड बॉल और एक ब्लू बॉल। और दोस्तों ये फुटबॉल नहीं है, ये है गाइस एक काफी अमेजिंग सा दोस्तों इरेजर। ये देखो दो इरेजर है, छोटी छोटी सी इरेजर, काफी अच्छी सी इरेजर है दोस्तों। चलो इस साइड रखते हैं, और क्या मिलता है इसके अंदर, एक फुटबॉल कंटेनर दोस्तों, ये देख सकते हो कंटेनर। और इस कंटेनर में ना दोस्तों हमें मिलता है एक शार्पनर, और ये देखो दोस्तों निकालता हूं तो ये देखो कितना सुंदर और कितना प्यारा गाइस हमें शार्पनर मिल जाता है इस वाले कंटेनर के अंदर दोस्तों। इसके अंदर गाइस हम पेंसिल को डालेंगे, फिर पेंसिल शार्प हो जाएगी, देखते हैं। ओह पेंसिल तो बहुत इजीली तो घुस भी गई, काफी अमेजिंग है दोस्तों। चलो और क्या मिलता है इसमें, और इसमें गाइस हमें मिलते हैं दो गोलकीपर, एक येलो कलर का एक रेड कलर का। और ये क्या दोस्तों, ये भी है एक इरेजर, अरे वाह काफी सुंदर और काफी प्यारे। देखते हो एक बार खड़े होते हैं या नहीं होते, तो ये खड़े होते हैं तो नहीं हो रहे, ये भाई ये खड़े हो जाए, अरे येलो वाला देखते हैं, येलो वाला खड़ा होता है, ये थोड़ा सा घितना पड़ेगा और देखते हैं। हाँ ओ वाह खड़ा हो गया, काफी इजीली से खड़ा हो गया गाइस ये गोलकीपर, काफी अमेजिंग है। और हम इस स्टेडियम पे गाइस हमने गोलकीपर काट लेंगे और फिर गोलकीपर खड़े कर देंगे, और फिर हम अपने दोस्तों के साथ बैटल भी खेल सकते हैं दोस्तों। काफी अमेजिंग, मुझे तो काफी अच्छा लगा दोस्तों ये फुटबॉल वाला स्टेशनरी सेट गाइस। तो दोस्तों आज का था ये कलेक्शन, आज का कलेक्शन आपको कैसा लगा दोस्तों प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताना गाइज, और कमेंट करते हो ब्रैकेट में अपना नाम जरूर लिखना दोस्तों। और मुझे सबसे अच्छा तो गाइज ये लगा चॉकलेट वाली डायरी ज्यादा अच्छी लगी, और मरमेड प्रिंसेस का इरेजर सेट मुझे बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा दोस्तों। बस बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अच्छी वीडियो के साथ कलेक्शन के साथ। जब तक बाय बाय दोस्तों।